और भाग्य कैसे उदय होता है बृहस्पति के लिए? बृहस्पति को कोई भी मैलाफिक दिखता हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो समझ लेना ये तुमसे गलतियां हुई हैं। जैसे कि बृहस्पति से अष्टम में मैंने बोला कि मंगल हो, तो तुम्हारी कोई ना कोई गलती इस भूमि के खिलाफ है ना। इसको इज्जत नहीं दी, किसी का पेड़ काट दिया, भूमि को बंजर बना दिया, तो तुमको इस जन्म में भूमि से रिलेटेड बहुत दिक्कतें आएंगी। सपोर्ट नहीं करेगी जमीन तुम्हें, लैंड रिलेटेड इश्यूज तुमको लाइफ टाइम रहेंगे, दोस्त यार सारे गद्दार मिलेंगे। बृहस्पति से अष्टम में मंगल, बृहस्पति से अष्टम में राहु हो, दादा का परिवार के साथ तुम्हारी नहीं बनती, या तो तुम्हारा दादा का परिवार है नहीं, तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं, और अगर रिलेशन भी है तो वहां पे बहुत हालात खराब है, वहां जीव नहीं बचते। क्यों? क्योंकि जीव के कारक ने वहां पे एनर्जी देनी बंद कर दी है। बहुत सिंपल है, लेकिन तुमने कुछ तो राहु के खिलाफ करा है ना वहां पे बृहस्पति से अष्टम में।